या राज मंत्र एक स्वागत हा विशेष भाग है सोलह मध्य घटना पंडित जी आहोत पंडित जी महाराष्ट्र के बारे में तो हमने बात कर ली इसके बाद लेकिन सबको दर्शकों को एक जानना है जरूर कि दिल्ली में आने वाले साल में क्या घटनाएं हो सकती है और खास तौर पर नरेंद्र मोदी जी की कुंडली आने वाले साल के में क्या दर्शा रही है देखिए इससे पहले हम दिल्ली की बात करें तो देश की कुंडली देखते हैं हमारे देश का पुनर्जन्म यानी देश आजाद हुआ 15 अगस्त उन्नीस और विष्व लगन कर्क राशि विष्व लगन कर्क राशि इस वक्त चंद्रमा की महादशा चल रही है कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है यानी देश का भाग्य उदय 2014 30 चौदाह 2014 से चंद्रमा की महादशा चल रही है कहते हैं कि जब फेवरेबल स्टार की महादशा चलती है तो आदमी तरक्की करता है तो फेवरेबल स्टार जो है देश का चंद्रमा है इसलिए पूरे विश्व में हमारे देश की प्रतिष्ठा बढ़ेगी लोग पूरे देश पूरे विश्व से हमारे देश की तरफ धर्म शांति योगा प्राणायाम सीखने आते हैं और सीखने और आएंगे साथ में हमारा देश तो क्या अब नरेंद्र मोदी जी जो हर साल पिछले साल जो में जो, जो विदेश यात्रा करते रहे हैं क्या उसका फल हमें देखने मिलेगा इस साल देखिए पर नरेंद्र मोदी होते या श्रीमती सोनिया गांधी होती यहां पर तो देश की कुंडली में चंद्रमा फेवरेबल बैठा हुआ है इसलिए देश को ये लाभ मिलना ही मिलना था वो अपने अगर जीत के आ जाते तो हो सकता है घोटालों से अक्कल आ जाती और यहाँ पर नरेंद्र मोदी देश की सेवा करने के लिए शुरू से ही तत्पर है जब उन्होंने संघ ज्वाइन किया आर एस एस ज्वाइन की तब से ही वहाँ तो शपथ दिलाई जाती है सुबह सुबह उठकर नमस्ते सदावत सदे मातृभूमि मातृभूमि की राष्ट्र की सेवा करने के लिए सुबह सुबह छः बजे ही आपको झंडे के नीचे खड़ा कर दिया जाता है कि आपने राष्ट्र की सेवा करनी है बिना लालच बिना स्वार्थ के इसलिए नरेंद्र मोदी के ऊपर तो शंका का कोई भी कारण नहीं उठता है इसलिए वो तो उनको इसीलिए देश मैं चंद्रमा की महादशा लगी इसलिए सूर्य जैसा नेता मिला देश को आगे आने में कोई नहीं रोक सकता 2024 तक हमारे देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय पातली पर मराठी में बोलूँ तो कोई भी आगे आने में रोक नहीं सकता सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी इसलिए देश की कुंडली नंबर वन है आज उसके बाद हम माननीय नरेंद्र मोदी की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसके साथ में बीजेपी की कुंडली का अध्ययन करना बहुत जरूरी है बीजेपी का गठन छः चार उन्नीस को हुआ जिसमें वृश्चिक राशि पड़ती है मैं बहुत बार बहुत लोग लोग मुझे बोलते हैं कि अब तो हमें भी पता चल गया कि बीजेपी के और नरेंद्र मोदी की वृश्चिक राशि है छः चार उन्नीस में अटल बिहारी वाजपेयी और माननीय अडवाणी साहब ने भारतीय जनता पार्टी का गठन किया और उसके बाद वृश्चिक राशि में आ, कहीं ना कहीं आज के दिन शुक सूर्य में शुक्र की अंतरदशा चल रही है और नरेंद्र मोदी साहब की कुंडली का अध्ययन करें तो नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 नौ 1950 छोटे से गुजरात के एक गाँव में हुआ और उनकी कुंडली का जब हम अध्ययन क्योंकि ये दोनों कुंडलियां बहुत जरूरी है बीजेपी राज कर रही है नरेंद्र मोदी नेतृत्व तो कर रहे हैं देश की कुंडली इन तीनों की कुंडलियों का जब हम कंपैटिबिलिटी चार्ट बनाते हैं तो नरेंद्र मोदी के ऊपर भी चंद्रमा की महादशा लगी हुई है तो देश की कुंडली और नरेंद्र मोदी की कुंडली में कंपैटिबिलिटी चार्ट बनाते हैं जब तो सौ में से अस्सी गुण मिलते हैं अच्छा, और इसका फायदा इसका फायदा देश को मिलेगा मगर यहां पर एक बात भूल नहीं सकते आप तुला वृश्चिक धनु इन तीनों राशियों पे सती चल रही है मित्रों आज मैं आपके शो के माध्यम से अपने मित्रों के माध्यम से नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी और उनके सभी नेताओं को करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि किसी भी तरह का अति आत्मविश्वास ओवर कॉन्फिडेंस अपने अंदर मत लाइए नहीं तो मंगल की राशि में बैठा हुआ शनि बहुत ही खराब रिजल्ट देता है आपने देखा कि कहीं ना कहीं माननीय नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं भाग्यवान हूं दिल्ली में पेट्रोल सस्ता हो गया मुझे वोट दो तो दिल्ली में क्या हुआ चाली बिहार में चालीस रैलियां एक प्रधानमंत्री करता है आई एम आई हैव टू यूज दिस कॉन्टेक्स्ट बिहार में 40 रैलियां करने के बाद में बिहार में क्या हुआ आप धरातल पर रहें हवा में घूमने की जरूरत नहीं है किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मगर कही न कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की कुंडली में वृश्चिक राशि नरेंद्र मोदी की वृश्चिक राशि इन दोनों में साढ़े सती चल रही है देश की सेवा करने के लिए तैयार हैं नरेंद्र मोदी की कुंडली में चंद्रमा की महादशा भारत की कुंडली में चंद्रमा की महादशा इसलिए देश brains. के साथ में और देश को आगे ले जाने में हर सांस नरेंद्र मोदी प्रयत्न करते हैं मगर लोगों को साथ में लेना पड़ेगा अपनों को साथ में लेना पड़ेगा सबका साथ सबका विकास मगर अपनों का साथ बहुत जरूरी वो कहाँ है वो जरूर लीजिए कहीं ना कहीं अपनों के साथ बैठकर एक थाली में बैठकर खाकर तब सोचें कि डेफिनेटली यहाँ से और आगे बढ़ा जा सकता है आगे आने वाले दिनों में चार स्टेट में इलेक्शन है पंजाब और यूपी में 2017 जनवरी में इलेक्शन फेबररी में इलेक्शन है इन इलेक्शंस में क्या होता होगा बहुत ही महत्वपूर्ण है आज से आपको काम पे लगना पड़ेगा कहीं ना कहीं फिर बार बार बोलता हूं मैं अति आत्मविश्वास ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ही आपको गिरा सकता है इन्हीं के कारण भारतीय जनता पार्टी की पॉपुलैरिटी में भारतीय जनता पार्टी के ग्राफ में 50 प्रतिशत कमी आएगी अगले साल में। अगले साल में, अगले साल में। अच्छा। मगर अगर शनि क्या कहता है कि मैं दंड अधिकारी हूं तुम अभिमान करोगे तो मैं चीफ जस्टिस बन के खड़ा हूं तुमको दंड दूंगा तुम विनम्र रहोगे अपने कार्य में ईमानदारी से लगे रहोगे तो मैं तुम्हें फल दूंगा इसलिए यहां पर मैं तो ग्राहों की बात करने आया हूं मुझे तो सिर्फ यही आता है और इन्हीं के माध्यम से मैं आप लोगों को तीस साल से मार्गदर्शन करते आया हूं और आज भी मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि देश आगे बढ़ता रहेगा आपको उसको और आगे बढ़ाने के लिए अपने पाओं को जमीन पर लाना पड़ेगा अति आत्मविश्वास को खत्म करना पड़ेगा कांग्रेस अगर आपके साथ नहीं है तो विरोधी पक्ष है वो तो आपके साथ होने वाली भी नहीं है बराबर है बर ना अगर बाकी पार्टियां आपके साथ नहीं है तो विरोधी हैं आपके साथ कैसे बैठेंगी मगर आपसे अनुरोध है कि जो लोग आपके साथ बैठे हुए हैं आपके खुद के नेता हैं आपके संगठन में काम करते हैं वो आपके साथ क्यों नहीं है उनको अपने साथ लाने के लिए आप क्या प्रयत्न करेंगे ये अगले साल में पूरा देश देखेगा और उसके लिए आपको प्रयत्न करना है तभी आप आगे बढ़ सकते हैं नहीं तो पचास की जगह सत्तर गिरावट के लिए तैयार रहेगी बिल्कुल ये एक बात हुई कि नरेंद्र मोदी जी के सामने एक चुनौती है जो अंदरूनी उनके पक्ष में से होगी लेकिन दूसरा क्योंकि आपसी तालमेल विरोधी दल जो है उनके नेताओं के साथ भी महत्वपूर्ण है और वो असमंजस इस, इस साल हमने देखी बनी हुई है तो क्या कांग्रेस के साथ वो क्योंकि जीएसटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा क्या कांग्रेस के साथ वो जाते हुए दिखते हैं अगले मतलब उनके साथ के जो समस्याएँ हैं उस वो निपटती हुई दिखती है आने वाले साल में एक एक उन्नीस कांग्रेस की कुंडली और उसके साथ में सोनिया जी की कुंडली उसके साथ में बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप अगले साल में देखेंगी दिसंबर तक सोनिया जी है धीरे धीरे राजनीति से अपने आप को विड्रॉ करने की कोशिश करेंगी देखिए बाला साहब अपने आप को विड्रॉ करते करते भी रिमोट कंट्रोल बने रहे जितना मर्जी वो अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर लें सोनिया जी तब भी वो रिमोट कंट्रोल बनी रहेंगी मगर डेफिनेटली लाइम लाइट में आती हुई कम रहेंगी और राहुल गांधी अगले साल कभी कभी भी जुलाई से पहले पहले कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हुए दिखाई देंगे राहुल गांधी की जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं तो उन्नीस छः उन्नीस सौ सत्तर राहुल गांधी की कुंडली में मंगल की महादशा लगी हुई है और राहु की महादशा शुरू होगी और मंगल की महादशा में उनकी बुद्धि क्योंकि मंगल की राशि में शनि बैठा हुआ है कहीं ना कहीं उनके उनकी पर्सनैलिटी पे उसका प्रभाव पड़ा लोगों ने देखा कि वो जो कहना चाहते हैं वो दम से नहीं कह पाते या कहीं ना कहीं लोगों ने देखा कि जो पर्सनैलिटी एक राष्ट्रीय स्तर के नेता की होती है वहाँ वो फीके पड़ जाते हैं मगर रुजुता जी इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं पहले भी कह चुका हूँ आज भी कह रहा हूँ कि आप देखेंगे कि जिस तरह लोग इंदिरा गांधी को गुंगी गुड़िया कहते थे और इंदिरा गांधी पूरे विश्व में इस तरह बोली कि पूरा विश्व इस बात का सानी हो गया कि इससे बड़ा स्पीकर कोई नहीं हो सकता आज यहां पर 31 दिसंबर 2015 और 1 जनवरी 2016 की भविष्यवाणी में राहुल गांधी को आप इंदिरा गांधी जितना बड़ा नेता बनते हुए देखेंगे और राष्ट्र की कमान संभालते हुए देखेंगे और कांग्रेस की अध्यक्षता में आगे बढ़ते हुए कांग्रेस को और राष्ट्र को पुनर्गठित करते हुए देखेंगे ये एक बड़ी भविष्यवाणी है हमें कहना चाहिए जो आपके मुंह से निकली है और ये इसको डेढ़ से दो साल अभी और लगेंगे मगर डेफिनेटली शुरुआत हो चुकी है अगला साल इसमें तीस से पैंतीस और बल फूंकेगा कांग्रेस को भी और राहुल गांधी जी, जी, जी को। बिल्कुल 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 और एक है जहां पे हमें गौर करना है वो है राष्ट्रीय सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट बात करी आपने हाँ। देखिए राष्ट्र की सुरक्षा जो है वो कुंडली के ऊपर आधारित लोग बोलते होंगे कैसी बात कर रहे हैं आप जब हम बोलते थे कि बिहार में साठ सीटें भी नहीं मिलेगी तो लोग हंसते थे मगर वो सत्य हुआ इसलिए धीरे धीरे लोगों को विश्वास होने लग जाता है राष्ट्र की सुरक्षा या राष्ट्र में प्राकृतिक आपदाएं जी हाँ। ये दो चीजों के ऊपर हम अध्ययन करके आज बैठे हैं यहाँ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को बाकी अन्य एजेंसीज को और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री एंड फॉरेन मिनिस्ट्री को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा हाँ। कहीं ना कहीं चाइना से जो हमारा मित्र बन रहा है जी हाँ चाइना से हाँ नहीं चाइना से चाइना कहीं ना कहीं चाइना से और पाकिस्तान से बहुत ही खतरे की घंटियां नजर आती हुई दिखाई देंगी और विशेषतर जून से लेकर अगस्त तक ढाई ती, तीन महीने में ऐसा वातावरण बनेगा कि आज भी पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ आज भी युद्ध हुआ हाथ मिलाते हुए भी कई बार उन्होंने हमारे बॉर्डर्स के ऊपर गोलीबारी की है बॉम्ब विस्फोट गिराए हैं बम विस्फोट किए हैं कहीं ना कहीं आ, आप नाइन इलेवन देख लीजिए अमेरिका में यहाँ पे छब्बीस ग्यारह देख लीजिए बहुत बहुत सी घटनाएं ऐसी हैं यहाँ पर हमारे देश को विश्वास नहीं करना चाहिए हाँ शांति की प्रिया को प्रक्रिया को आगे बढ़ाते रहना चाहिए शांति के लिए हम तो शांति दूत हैं जी हाँ हम तो दुनिया के शांति दूत हैं इसलिए हमको आगे बढ़ाना हम कोशिश करते रहेंगे और करते रहे हैं मगर आतंकवाद से हमारे देश को बहुत बड़ा खतरा है और मित्रों एक बात ध्यान से सुन लीजिए वृश्चिक की शनि मंगल की राशि में शनि है बड़े बड़े नेता नरेंद्र मोदी सोनिया गांधी अमित शाह अरुण जेटली राजनाथ सिंह नितिन गडकरी राहुल गांधी और ममता बनर्जी बड़े बड़े नेता जितने भी हमारे बड़े बड़े नेता हैं उनको अपनी सुरक्षा के बारे में बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कहीं भी अगर सुरक्षाकर्मी बोलते हैं कि आज यहाँ नहीं जाना है तो बिल्कुल ना जाएं। अच्छा क्योंकि देश तरक्की कर रहा है मैं तो हमारे देश की नज़र उतारना चाहता हूँ आपको सही बताऊँ क्योंकि जब आपका बच्चा सुंदर लगने लग जाता है तो आप उसकी नजर उतारते हैं कि कहीं इसको नजर न लग जाए इसलिए मैं तो अपने राष्ट्र भा, भारत की और महाराष्ट्र की नजर उतारना चाहता हूं कि हमारे देश को किसी की नजर न लग जाए लेकिन कुछ नेताओं को बहुत के रहना पड़ेगा।, पड़ेगा बहुत ध्यान चेतावनी है इस शो के माध्यम से आपकी बिल्कुल बिल्कुल उनको कतई कहीं भी उस जगह पर नहीं जाना चाहिए यहां पे उनको लगे कि आज खतरा है और हमारी सुरक्षा एजेंसियों को फूक फूक कर कदम रखने पड़ेंगे बॉर्डर के ऊपर भी और नेताओं की सुरक्षा करते हुए भी और जब बड़े बड़े जलसे होते हैं उनमें भी और प्राकृतिक आपदा की अब हम बात करते हाँ। हैं जी हाँ क्योंकि आकाल से किसानों का काफ़ी नुकसान इस साल में हुआ है बारिश जो है वो उसके हाल में बेहाल है इनफैक्ट तो आने वाले साल के लिए आप किसानों को ज़्यादातर क्या कहोगे देखिए जब तक शनि मंगल की राशि में है उत्तर भारत नेपाल बिहार यूपी पंजाब आ, पंजाब जो पाकिस्तान में है वो अफगानिस्तान ईरान इंडोनेशिया इन देशों में ये नाम नोट करके रखें इन देशों में इन एरियो एरियाज़ में कही न कहीं ना कहीं भूकंप का खतरा और सुनामी का खतरा लगातार बना रहेगा अच्छा और विशेषतर पंद्रह जनवरी के बाद में इसमें तीव्रता बढ़ सकती है पंद्रह जनवरी से पंद्रह जून तक इसमें तीव्रता बढ़ सकती है और यहाँ तक अकाल की बात करें तो आपने देखा महाराष्ट्र में अकाल पड़ा और चेन्नई में बारिश ने तबाही मचा दी आगे आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में जो बारिश होगी वो भी कहीं आप देखेंगे कि चेन्नई जैसी होने वाली है इस साल इस साल, इस साल में बारिश बहुत ज़बरदस्त बारिश होगी इसलिए हमारी एजेंसीज़ को हमारे लोगों को बहुत अभी से डिज़ास्टर मैनेजमेंट को तैयार होना पड़ेगा जी सतर्क सतर्क रहना सतर पड़ेगा और अकाल पड़ने की यहाँ तक बात करें तो देश के कम से कम दो या तीन स्टेट्स में वापस यही परिस्थिति रहेगी अकाल जैसा वातावरण बनेगा प्राकृतिक आपदाएँ पूरे विश्व में फैली हुई हैं ये हमारे देश में ही नहीं है उससे जूझना लोगों की मदद करना ये नेताओं का फर्ज है और उनको करते रहना चाहिए और कहीं ना कहीं आतंकवाद ने नॉट ओनली हमारे देश में भर में पांव पसार लिए हैं जी हाँ सीरिया रशिया में झगड़े हो रहे हैं कहीं ना कहीं ईसी जो है वो बहुत ही ज्यादा तकलीफ दे रही है पूरे पंडित जी उस बारे में तो हमें विस्तार से बात करनी है फिलहाल क्योंकि हम भारत के बारे में बात कर रहे हैं अपने देश के बारे में बात कर रहे हैं महंगाई कैसी रहेगी आने वाले साल में देखिए नरेंद्र मोदी जी लकी हैं तेल के भाव कम हो गए बोल रहे हैं मगर दाल दो सौ बीस रुपए की क्या फायदा लोगों को मिलेगा मगर यहाँ पर वन रैक वन पेंशन डिक्लेयर हो चुकी है यहाँ पर फिफ्थ पे कमीशन डिक्लेयर हो चुका है आम जनता में पैसा आया भी है इसलिए ये महंगाई का बहुत बड़ा सांप ढसने वाला नहीं है लोगों को भी ये बात समझनी चाहिए कि मेरी सैलरी पाँच हज़ार रुपये थी आज मैं पंद्रह हज़ार रुपये कमा रहा हूँ मेरी सैलरी पंद्रह हज़ार रुपये था, थी आज मैं पचास हज़ार रुपये कमा रहा हूँ डेफिनेटली इन सब घेरों में निकलते निकलते तीन से चार साल लग जाएंगे मगर अगला साल जीडीपी के लिए भी और महंगाई के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है नहीं यहाँ नहीं। बहुत अच्छा नहीं है गैस पेट्रोलियम ये देखिए कुछ दिनों से पेट्रोल नीचे गया है आगे जाकर बढ़ेगा हमेशा कहता हूँ मैं अभी बढ़ गया दो डॉलर और कहीं ना कहीं गैस पेट्रोलियम डीजल इन इनमें कीमतों में बढ़ा बढ़त आने की वजह से आम चीज़ों की कीमतों में बढ़त आएगी मगर डेफिनेटली नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लिए खाद्य पदार्थ जो हैं दाल आटा चावल मसाले कांधा बटाटा ये चीज़ों की वजह से इनके ऊपर बहुत बड़े बड़े आरोप लगेंगे कांग्रेस गर्दन ऊपर करके इनके ऊपर बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाएगी इसलिए इनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई, कोई रास्ता ऐसा निकालना चाहिए कि आम आदमी जिसकी पगार जिसकी आमदनी इससे कम है उसको सस्ते और बहुत सस्ते दरों में क्योंकि राशन की दुकानें पहले होती थी अभी तो राशन की दुकानें भी अस्सी प्रतिशत हट गई कहीं महंगाई कम होने वाली नहीं है 2016 में मित्रों एक बात का ध्यान रखें बिल्कुल कम होने वाली नहीं है हाँ शिक्षा का स्तर बढ़ेगा पैसे की आमदनी बढ़ेगी इनफ्लो ऑफ मनी विल कम इन इन इंडिया लोगों को महंगाई से कोई ऐतराज़ नहीं होता अगर कीमतें जो है अचानक बढ़ती और उतरती नहीं थी एक स्थिर दर से अगर वो बढ़ती है तो शायद इतना महसूस ना करें लोग भी और कई मुद्दे हैं जिनके ऊपर हमें बात करनी है बॉलीवुड के बारे में बात करनी है शेयर बाजार के बारे में बात करनी है एक छोटा सा ब्रेक घे न अपन बॉलीवुड कड़े वर्णार